a T-Bus. Driving for your career. Welcome to another session. और आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी, इंश्योरेंस और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। टॉपिक देखने में जितना मुश्किल लगता है उतना ही स्कोरिंग। सो जिस किसी का भी इसके ऊपर कंसेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग रहता है। मिनिमम टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसा कि नाम ही बताता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मतलब उस डाटा क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, हमें उसको इंटरप्रेट करना है और उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। नंबर वन इज परसेंटेज, नंबर टू इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड नंबर थ्री इज एवरेज। दो बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड में, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसके ऊपर हम लोगों को खास तवज्जो देनी है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में डाटा को डिफरेंट ग्राफ्स की मदद से दिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, टेबल्स, पाई चार्ट्स जिसको हम सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हैं, केसलेट्स। इसके अलावा वेब फॉर्म में ग्राफ्स होते हैं और मिक्स ग्राफ्स होते हैं। लेकिन मेजर जो ये ग्राफ्स हैं, अगर आपको ये अच्छे से आ जाएं तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ग्राफ्स जनरली दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक पैरामीटर अलोंग एक्स एक्सिस है, एक पैरामीटर अलोंग वाई एक्सिस है। ग्राफ्स इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल्स, डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं तो ये बार ग्राफ है। लाइन ग्राफ में वही डाटा लाइन की फॉर्म में दिया जाता है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। देन टेबल्स में कुछ पैरामीटर्स दिए जाते हैं और उनकी कुछ रीडिंग्स दी जाती हैं जो अभी यहाँ नहीं लिखी हैं। पाई चार्ट इज़ अ सर्कुलर ग्राफ, तो एक ग्राफ को हमें डिफरेंट सेक्शंस में बांट दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा डाटा किस तरह से हम लोगों को गिवन है। एंड देन केसलेट्स हैं, दैट इज़ ए पैराग्राफ टाइप ऑफ थिंग। उसके अलावा वेब ग्राफ्स हैं, मिक्स ग्राफ्स हैं। वेब ग्राफ्स में हमारे पास ये वेब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ऊपर डाटा गिवन है और हम इसको आगे इंटरप्रेट करते हैं। एंड मिक्स ग्राफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ग्राफ्स। कभी बार ग्राफ्स और लाइन ग्राफ्स लिया जाते हैं, कभी बार ग्राफ के साथ पाई चार्ट होता है, तो कभी भी कोई भी दो ग्राफ्स को मिक्स करके हम लोगों के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में बेसिक चीज़ें हैं कुछ जिसको आपने हमेशा याद रखना है। नंबर वन इज कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डाटा इंटरप्रिटेशन में। बेटर द कैलकुलेशंस, बेटर योर चांसेस ऑफ विनिंग द बैटल इन डाटा इंटरप्रिटेशन, बिकॉज सारा खेल ही कैलकुलेशंस का है। तो आप टेबल्स याद रखें, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, आप स्क्वेयर्स को लर्न करें कम से कम 50 तक, क्यूब्स को लर्न करें कम से कम 20 तक। सो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही रखना है, तो उसके लिए आपको इधर उधर जाना नहीं पड़े। देन सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अप्रोक्सीमेशंस। फॉर एग्जाम्पल 125 को अगर मुझे 18 से डिवाइड करना हो तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 7 ले सकते हैं, बिकॉज 18 7 126 होता है। अब इसमें टेबल भी यूज हो रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेशन भी हो रही है। अगर हम लोग इसको पॉइंट्स के हिसाब से करना शुरू होए तो इट विल टेक मोर टाइम। तो जनरली क्या रहता है कि आपके पास अगर ऑप्शंस दूर दूर की हैं तो आप इसको जनरली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, ऑप्शंस वेरी वेरी क्लोज हो, बहुत नैरो हो, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज के ऊपर जाना चाहिए। फर्दर और चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज होती है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है या क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेट ऑफ चेंज के ऊपर पूछा जाता है। रेट इंक्रीज या रेट डिक्रीज की बात की जाती है जैसे कि यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एक प्रीवियस वैल्यू या इंक्रीज की बात करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ किसी भी चीज़ का, उसका प्रीवियस वैल्यू क्या है इनटू 100। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान देना है। आपसे बोला जा सकता है कि किसी कंपनी की टर्नओवर जो थी वो 1994 में
लेट से 4 crore थी और 1998 में आके वो 7 crore हो गई, तो बताइए व्हाट इज द परसेंटेज या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो हम लोगों ने बात की 94 में इट वाज 4 crore, 97 में इट इज 7 crore। इंक्रीज जो है वो है कितना 3 crore का, किसके ऊपर 4 crore के ऊपर इनटू 100। तो परसेंटेज वाइज आपको पता है कि ये 75% है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग आगे फर्दर बात करते हैं। एवरेज, तो हमने देखा 94 से 97 तक जो टोटल परसेंटेज इंक्रीज था वो 75% था। बट आपसे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज पर ईयर, तो कुछ नहीं, आपने 75% का इंक्रीज है, ईयर का गैप अगर हम देखेंगे तो 3 years का है, तो हम कह सकते हैं कि 25% का इंक्रीज है ऑन एन एवरेज पर ईयर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है एवरेज कंसेप्ट को लेके, वो ये कि कई बार हम लोगों को दो चीजों की एवरेज दी जाती है और हमें बोला जाता है कि इनका परसेंटेज डिफरेंस बताइए, या कौन सी एवरेज दूसरी एवरेज से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम देन कंसिडर ओनली द टोटल, डू नॉट टेक द एवरेज, कंसिडर ओनली द टोटल, बिकॉज एवरेज की जरूरत हमें वहां नहीं पड़ती। जो हमारे पास टोटल का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा या मोर और लेस होगा, वही हमारा एवरेज का मोर और लेस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आगे मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। हमने ऊपर एक एग्जाम्पल की बात की 94 टू 97 के लिए हमारे पास जो परसेंटेज इंक्रीज था 3 सालों का वो 75% था। अभी हमने 95 में सेम कंपनी का टर्नओवर जो लिया वो लिया 95 में 5 करोड़ एंड 98 में 10 करोड़। तो इंक्रीज जो है वो 10 - 5, दिस माइनस दिस, अपॉन 5 ऑन द प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। सो आप देख सकते हैं कि ये जो इंक्रीज है ये 100% इंक्रीज है, राइट। तो दिस इंक्रीज इज 100%, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट इज एवरेज इंक्रीज ऑफ 95-98 इज मोर देन 94-97। तो हम लोगों ने चेक किया पीछे कि 94-97 में 3 years का जो इंक्रीज था वो 75% था, 95-98 का जो 3 years का इंक्रीज है वो 100% इंक्रीज है। अभी जो चेंज पूछ रहा है वो पूछ रहा है 95-98 कितना ज्यादा है उसका एवरेज 94-97 से। तो इसमें आपको एवरेज डिफरेंट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स दोनों केसेस में 3 है। तो इस केस में आपको डायरेक्टली टोटल के साथ काम बन सकता है, तो आप डायरेक्टली क्या चेक करेंगे, यस डिफरेंस, क्योंकि जब भी हम मोर और लेस की बात करते हैं तो हम डिफरेंस लेते हैं। वो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, वो डिफरेंस है इस केस में 25 का, राइट। तो 25 का डिफरेंस है किसके ऊपर, 100 के ऊपर, क्योंकि 95 और 98 के बेस लिया गया है इन 200। सो दिस गिव्स अस 25%। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन में पूछी जाती हैं, तो वो हम लोग जैसे जैसे फर्दर अब एग्जांपल्स आगे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे, तो हम उस पर बात करेंगे। तो इसके लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, इंजॉय योर डाटा इंटरप्रिटेशन।